Hello friends, I'm Himanshu Arora. Today's topic is very interesting, and that is the ways by which a company can raise the capital. So there can be multiple ways by which a company can raise capital. ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कंपनी कैपिटल रेज कर सकती है. कंपनी अपने डेली चलन के लिए, अपने डेली काम करने के तरीके के लिए, काम करने के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे तरीकों से पैसा रेज कर सकती है. बट ब्रॉडली हम इन सारे मेथड को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. वन इज इक्विटी एंड अदर इज डेट, और वी से डिबेंचर्स, और वी कैन से बॉन्ड्स. सो ऐसे दो मेथड्स हो सकते हैं जिससे कंपनी पैसे को रेज कर सकती है. पहला होता है इक्विटी रेज करके, शेयर रेज करके, शेयर इश्यू करके, और शेयर्स देकर मैं किसी से पैसा ले सकती हूं. उधार इज अ रॉन्ग वर्ड हियर, पैसा मैं किसी से ले सकती हूं. एंड सेकेंड इज डिबेंचर्स और डेट और बॉन्ड्स. हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं, हम इसे बहुत ही कॉमन टर्म में हम इसको लोन कहते हैं. सो ब्रॉडली दो तरीकों से कंपनी पैसा रेज कर सकती है. एक है इक्विटी और दूसरा है डेट. डेट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लोन. कंपनी उधार ले रही है, और जब आप किसी से उधार लेते हो तो उस उधार देने वाला, जिसको हम बोलेंगे लेंडर, का राइट होता है बॉरोअर के एसेट्स के ऊपर. लेकिन इक्विटी के अंदर आपका कोई एसेट्स के ऊपर राइट नहीं होता है, आपके प्रॉफिट्स पर राइट होता है. जिंदगी भर जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ पोर्शन, अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से कुछ पोर्शन आपको इक्विटी होल्डर को या फिर शेयर होल्डर को देना पड़ेगा. सो ब्रॉडली दो पार्ट में डिस्कस किया जा सकता, दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है. ये दोनों पार्ट हम यहां पर डिस्कस करते हैं, इक्विटी एंड डेट. सो इक्विटी कितने टाइप से रेस हो सकती है, इक्विटी कितने कितने टाइप की हो सकती है. हमने रिसेंटली एक वीडियो किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी रेस करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं. ब्रॉडली इक्विटी रेस करने के तीन मेथड होते हैं. पहला कॉमन इक्विटी, दूसरा प्रेफर्ड इक्विटी, एंड तीसरा डिफरेंशियल इक्विटी, जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं. आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको इक्विटी मिलेगी, आपको फ्यूचर के प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी मिलेगी. हम इसको एक बार अगले एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. कॉमन इक्विटी सबसे कॉमनली इशूड इक्विटी होती है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने लाखों करोड़ शेयर इशू कर रखे हैं, जिसके बदले में जब यह शेयर इशू किया गया था आईपीओ के द्वारा, वहां पर कंपनी ने इससे पैसे को रेस किया था, और इस पैसे को रेस करके कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर लगाया था. कंपनी की अच्छी ऑपरेशंस किए थे, कंपनी के एक्सपेंशन में यूज किया होगा, कंपनी की डेट की रीपेमेंट में यूज किया होगा, प्रमोटर को पे करने के लिए यूज किया होगा, कंपनी की डेली एक्टिविटी में यूज किया होगा, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया होगा. इनमें से बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं जिसके लिए उन्होंने इस कैपिटल का इस्तेमाल किया होगा. प्रेफर्ड इक्विटी जनरली प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जिन्हें प्रेफरेंशियल मिलती है ओवर कॉमन शेयर होल्डर्स. इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. एंड द थर्ड इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, जब भी आपको प्रॉफिट हो, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, जब भी आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा. नेक्स्ट इज डेट. अब डेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और डेट को हम मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. सी, सबसे पहले जब आपने बैंक से लोन लिया है, आपने बैंक को वापस पैसा करना है. आपने बैंक से लिया है, या आपने प्राइवेट लेंडर से लिया है, या फिर आपने एनबीएफसी से लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लिया है, आपने किसी से भी पैसा लिया है, आप इस पैसे को वापस आपको करना पड़ेगा. अब ये पैसा वापस करने के ब्रॉडली दो तरीके हो सकते हैं. एक तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा टाइम टाइम पे वापस करते रहेंगे. जैसे कि अगर आप में से किसी ने होम लोन लिया है कभी, या कार लोन लिया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आप हर महीने उसकी ईएमआई पे करते हैं. ईएमआई, ईएमआई स्टैंड फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स. आप हर महीने उसके कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहते हैं, ये उसकी होती है ईएमआई. तो आप जब उसकी ईएमआई पे करते हैं, तो आप उसके जितना आपने लोन लिया है उसका कुछ प्रिंसिपल, कुछ इंटरेस्ट, दोनों मिला के या इनमें से कोई एक चीज, आप उसको कंटिन्यूअसली पे करते जा रहे हैं. और दूसरे टाइप का बॉन्ड ये हो सकता है, या दूसरे टाइप का लोन ये हो सकता है, जहां पर आपने किसी बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया है, आपने 1 साल का लोन लिया है, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने 1 साल के बाद 1,10,000 रुपए वापस करने हैं. आप पूरे साल कुछ वापस मत कीजिए, आप 1 साल के बाद यू आर लाइबल टू पे 1,10,000 रुपीज. सो यू आर लाइबल टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर स्पैन ऑफ 1 ईयर. तो ये दो टाइप के लोन हो सकते हैं. इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स. वन इज कूपॉन बियरिंग बॉन्ड्स, एंड अदर इज नॉन कूपॉन बियरिंग बॉन्ड्स. कूपॉन बियरिंग बॉन्ड्स वो होता है जिसमें आप कंसिस्टेंटली कुछ पेमेंट करते जा रहे हैं, एंड नॉन कूपॉन बियरिंग वो होता है जिसमें आप कंसिस्टेंटली कोई पेमेंट नहीं कर रहे, आप सारी की सारी पेमेंट एंड में कर रहे हैं. अब कूपॉन पेमेंट भी इंटरेस्टिंगली इट कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस टाइप्स.
So the first type is fixed coupon bond. Fixed coupon bond वो होता है जहां पर आपने हर महीने आप कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते जा रहे हैं और ये अमाउंट कंसिस्टेंटली सेम है. जिस तरीके से आपकी ईएमआई होती है, आपके होम लोन की ईएमआई, आपके कार लोन की ईएमआई, ये सारी ईएमआई जनरली फिक्स्ड कूपन पेमेंट होती है. द सेकेंड इज वेरिएबल कूपन बॉन्ड. वेरिएबल कूपन बॉन्ड वो होता है जिसमें आप पेमेंट तो बार बार कर रहे हैं, आप कूपन तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन हर बार जो कूपन है वो अलग है. वो कूपन बार बार अलग हो सकता है या वो कूपन कभी कभी अलग हो सकता है. अब ये भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे उसके. बट वेरिएबल कूपन बॉन्ड जनरली वो होता है जिसमें आपका कूपन वेरिएबल होता है और वो स्टैग्नेंट या फिर वो फिक्स नहीं होता. तो इस तरीके से आपका वेरिएबल कूपन भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है या तीन पार्ट में डिवाइड हो सकता है. एक जिसमें आपके कूपन की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम हो रही है, दूसरा इट इज अ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग कूपन विच वी जनरली कॉल स्टेप अप कूपन और स्टेप अप बॉन्ड, और तीसरा जो कि किसी और ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कूपन बियरिंग बॉन्ड्स आपके मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं. ब्रॉडली कूपन डेट को दो पार्ट्स में और भी ब्रेक किया जा सकता है. वन इज एमोर्टाइजिंग लोन एंड द सेकेंड इज नॉन एमोर्टाइजिंग लोन. एमोर्टाइजिंग लोन कौन सा होता है? एमोर्टाइजिंग लोन और एमोर्टाइजिंग बॉन्ड इज द बॉन्ड इन विच यू आर पेइंग प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड. जब तक ये बॉन्ड चल रहा है, जब तक ये उधार चल रहा है, तब तक आप प्रिंसिपल का भी कुछ पोर्शन पे करते जा रहे हैं एंड इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली आप पे करते ही जा रहे हैं. जबकि नॉन एमोर्टाइजिंग लोन वो होता है जिसमें आप प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट का कोई पोर्शन पे नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जा रहे हैं और प्रिंसिपल की पेमेंट आप बिल्कुल एंड में करेंगे जब वो बॉन्ड का टेन्योर खत्म हो जाएगा. इट इज कॉल्ड अ बुलेट पेमेंट और अ बलून पेमेंट. सो लेट्स क्विकली रिवाइज इट. आज हमने क्या पढ़ा है? सो द फर्स्ट वे ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर द कंपनी इज इक्विटी एंड द सेकेंड इज डेट. द इक्विटी कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स. वन इज कॉमन इक्विटी, सेकेंड इज प्रेफर्ड इक्विटी एंड द थर्ड इज डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी. And different types of bonds that we have studied or different types of debt securities that we have studied today are one coupon bearing and second non-coupon bearing. Coupon bearing ke andar fixed coupon, variable coupon. Aur uske baad humne study kiya amortizing loan and non-amortizing loan, jisme principal aap pay karenge ya nahi karenge, ye segregate karega ki aapka loan amortizing hai ya non-amortizing. Thank you so much.